अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्यूवर्स, आज हम अपने छत पर छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरा बड़ा भाई जो कि खुर्रम भट्ट साहब हैं वो कुकिंग कर रहे हैं, जो कि चिकन कोरमा बना रहे हैं, और हमारे गौहर भट्ट साहब, शाहिद भाई और ये ज़िया भाई खड़े हैं और ये उमर भट्ट साहब हैं। तो हम आज सब मिलकर छोटी सी पार्टी कर और जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान कल का मैच जीत चुका है और ये पार्टी, ये इन्जॉयमेंट हम पाकिस्तान जीतने की खुशी में कर रहे हैं। हम इस पार्टी को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखकर आप भी इन्जॉय करेंगे। भट्ट साहब, हमारे भट्ट साहब कौन से हैं, आज कढ़ाई पका रहे हैं। भट्ट साहब इधर देखिए ज़रा, जी तो नाज़रीन, अभी हमारे मसाला जात रेडी हो चुके हैं, जो कि मिक्सअप करके हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे, इनको ऐड करेंगे। और हमारे जो कि कुकिंग हेड हैं खुर्रम भट्ट साहब, वो बहुत अच्छे से इसको बना रहे हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी और प्यारी खुशबू आ रही है नाज़रीन। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कढ़ाई तकरीबन 10 मिनट तक रेडी हो जाएगी। मज़ीद हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन आल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को ऐसे ही एंजॉय कर सकें। व्यूवर्स, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको खाकर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, भट्ट साहब ने ये कढ़ाई में मसाला जात मिक्स कर दिए हैं और इसको देखकर तो लग रहा है बहुत अच्छी बनेगी। और आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, क्या कोई कमी तो नहीं रह गई इसको बनाने में, इसका कलर वगैरह देख कर बताएं, जज करें यह कैसी बनी होगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओए की करना है थे। किस टाइम होना उन्हें पहले हमने इसमें दही ऐड किया है और जैसा कि उसको हिलाने के बाद अभी भट्ट साहब इसमें क्रीम ऐड करेंगे ऑलपर की, और उसके बाद इसको फाइनल टच दिया जाएगा। और व्यूवर्स देखकर बताएं ये कैसी बनी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए आगे देखने के लिए। तो ठीक है, कलर कट कलर वे हाँ चल रही सर यहाँ कोई डिसलाइक तो नहीं करता, नहीं समझ रहे ना डिसलाइक रेटे चढ़ गए ने, तू जो मर्जी कर, वो नहीं खाता धनिया नहीं खाता, ये करी ना जो परौना नहीं तो मैनू घर आ गए ना, वो मैनू कहता कराना बंदा नहीं, पर आपका हाथ कराना, मैं कहा बंदा है मेरे बुला
साड़ना क्यों पे है? साड़ दिया भी है ने रे कर दा की पे है? सही तो ना बना जे बनानी है नहीं बनानी है तो पर आओ बे बना और जैसा कि व्यूवर्स आप देख रहे हैं कढ़ाई के साथ साथ हम ये बीफ टिक्कियाँ भी बना रहे हैं। बहुत प्यारी खुशबू है इन टिक्कियों की भी, बहुत मज़ा आने वाला है इनको खाने में भी। और अभी हम कढ़ाई में थोड़ी सी क्रीम मज़ीद ऐड करेंगे। भाई बहुत अच्छे से ये सारी कुकिंग कर रहे हैं और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट कीजिए ढेर सारी। अब हम कढ़ाई को ढांप देंगे ताकि इसको इसका फाइनल टच मिल सके और तब तक हम टिक्कियां बनाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो व्यूवर्स अभी ज़िया भाई टिक्कियां दोस्तों में चंद सर्व करेंगे ताकि वो टेस्ट करके बता सकें टिक्कियां कैसी बनी है, और इसके बाद हम खाना खाएंगे। हमारा खाना बनके तकरीबन रेडी हो चुका है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गोरी भाई इधर देखना, वीडियो बनाना पे चलो यार वो नहीं हाँ लगा लगा अरे वो किसी होना ना रे थी जानी डोंगा भाजी मैं पान पून आ चक्कर मैं भाई तुसी कढ़ाई च खाना
ਬੜਾ